फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हम पाकिस्तान स्टडी का यूनिट 5 जो है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है पावर रिसोर्स। ऐसी रिसोर्सेज जिसे हमें पावर या एनर्जी जो है वो हासिल हो। पावर रिसोर्सेज इंक्लूड कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड पावर एंड सोलर एनर्जी। दीज आर रिसोर्सेज। अब क्या कह रहा है कि पावर रिसोर्सेज कौन सी होती है? कोयला हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, विंड पावर या सोलर एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट में इन्होंने जो है वो हाइड्रो एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है, ठीक है। थर्मल एंड हाइड्रल वाटर एनर्जी इज कॉमनली यूज इन अवर कंट्री। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू थर्मल एंड हाइड्रो रिसोर्सेज। अब क्या कह रहा है, जो थर्मल और जो है वो हाइड्रो एनर्जी होती है वो ज्यादातर जो है वो हमारे यहाँ यूज की जाती है, हमारी कंट्री में यूज की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। कोल, ऑयल एंड गैस आर यूज टू प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, बट वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन दीज रिसोर्सेज बिकॉज इन पाकिस्तान कोल, ऑयल एंड गैस डिपॉजिट आर लिमिटेड। अब क्या कह रहा है, कोयला हो गया, ऑयल हो गया या गैस हो गया, ठीक है, ये जो है वो रिसोर्सेज जो है वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी लाइट बनाने के लिए जो है वो यूज की जाती है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में कोयला या ऑयल या गैस वगैरह की जो है वो डिपॉजिट जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो तादाद में नहीं मिलती, ठीक है, लिमिटेड जो है वो है। थर्मल पावर स्टेशन कैन बी सेट अप इजीली बट इट्स जनरेशन कॉस्ट इज वेरी हाई। अब क्या कह रहा है, जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन मीन जहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए थ्रो थर्मल जो है वो पावर से, ठीक है, ये स्टेशन जो है वो इजीली सेटअप तो किए जा सकते हैं, लेकिन ये कॉस्टली होते हैं, मतलब इनमें जो है वो खर्चा ज़्यादा होता है। देयरफॉर इट इज़ एन एक्सपेंसिव वेंचर। हाउएवर, अ थर्मल पावर स्टेशन इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड नियर कोल माइंस ऑफ थर पार्क। अब क्या कह रहा है कि थर्मल पावर जो स्टेशन है, ठीक है, वो एक्सपेंसिव तो होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इस्टेब्लिश किए गए कहाँ पर, जो कोयले की खान होती है, कोयले की माइन, ठीक है, थर पार्कर अगर सिटी इन्होंने जो है वो बताया हुआ है, वहाँ पर जो है वो एक थर्मल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या पावर स्टेशन जो इन्होंने बनाया हुआ है। एट प्रेजेंट अबाउट 58% इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन थ्रू थर्मल रिसोर्सेज। अब क्या कह रहा है, अगर पाकिस्तान की जो है वो प्रेजेंट हम जो है वो एक देखें कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ करता है वो कहाँ से जनरेट की जाती है, तो 58% जो इसका है वो जो है वो थर्मल जो है वो पावर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ली जाती है, ठीक है, रिसोर्सेज ली जाती है। द थर्मल पावर हाउसेज हैव बीन सेट अप एट फैसलाबाद, मुल्तान, फोर्ट अतू, रोड़ी, जानशोरो, हैदराबाद एंड कराची। जो थर्मल पावर हाउसेज जो है वो, पावर हाउसेज मीन जो लाइट वगैरह जनरेट करने वाले, ठीक है, हाउसेज, अब ये जो है वो किस किस एरिया में इन्होंने बताया है कि कहाँ पे स्टेब्लिश है, ये इन्होंने सिटीज बताया है, फैसलाबाद हो गया, मुल्तान, कोट, अद्दू, अब ये इन्होंने कहाँ पे सेटअप लगाया हुआ होगा, जहाँ पर जो है वो कोयला, गैस या फिर जो है वो ऑयल वगैरह की जो है वो जमीन में से जो है वो उसकी प्रोडक्शन हो रही होगी, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने जो है अपने स्टेशन जो है वो स्टेब्लिश किए हुए होंगे। द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस थ्रू वाटर ऑफ द रिवर्स। द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आर लोकेटेड एट तरबेला, मंगला, बासक एंड गाजी ब्रोथा। अब क्या कह रहा है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, मतलब जो हाइड्रो रिसोर्सेज से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, ठीक है, वो कहाँ से की जाती है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, वाटर के जरिए, ठीक है। अब वाटर कहाँ से आता है, रिवर के जरिए, जैसे कि उन्होंने जो है वो बताया हुआ है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो कहाँ कहाँ पे है, तरबेला जो है डैम है, मंगला डैम है, ठीक है, वासक एंड गाजी ब्रोथा डैम जो है वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अबाउट 42 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज। अब इन्होंने जो है वो 58% बताया कि जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो नीड है वहाँ कहाँ से पूरी होती है,
थर्मल पावर से जो है वो हासिल करती है, ठीक है। और 42% जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी नीड है वो कहाँ से होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। ऑल्थोग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज एन एक्सपेंसिव बिजनेस बट इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्स लेस देन द कॉस्ट ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या कह रहा है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन होते हैं, ठीक है, अब हाँ जो वो बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस है, ठीक है। अब इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम है, किससे, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से। अब जैसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन जो थे वो एक्सपेंसिव थे, ठीक है, सेटअप करने के लिए, तो ऐसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन जो है वो भी एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव बिजनेस है। लेकिन अगर हम जो है वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर करें तो जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ज़्यादा महंगी है, किससे, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। After the electricity is produced from the water of the river, the water can again be used for irrigation. Hydroelectricity generation does not create air pollution. अब क्या कह रहा है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है रिवर पावर रिवर के वाटर से, ठीक है। अब वो वाटर जो है वो यूजबल है, ठीक है, आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वो वाटर जो है यूजबल है, इरिगेशन के लिए हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब जो है वो किसी भी डैम में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो वो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। इवन के वहाँ पे जो पानी में जो जानदार रहते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनकी जिंदगी के लिए भी जो है वो बहुत ही डेंजरस होता है। लेकिन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाटर जो है वो बहुत ठंडा भी हो जाता है, ठीक है, फिर उसको हम जो है इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एक जो है वो फायदा ये भी है कि इससे जो है वो एयर पोल्यूशन जो है वो नहीं होती, ठीक है, एयर पोल्यूशन नहीं होती। जैसे हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी देखें तो उससे जो है वो एयर पोल्यूशन होती है, जब हम जो है वो कोयले को जलाएंगे या ऑयल वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो इससे एयर पोल्यूशन भी जो है वो फैलेगी। अब जो है वो सेकंड उन्होंने कौन सा रिसोर्स बताया हुआ है, एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी। अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज एटॉमिक पावर और न्यूक्लियर एनर्जी। यूरेनियम विच इज अ हैवी ग्रे रेडियो एक्टिव मेटलिक एलिमेंट सिंबल यू इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब क्या कह रहा है कि दूसरी जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की सोर्स है वो क्या है, एटॉमिक पावर है, ठीक है, या न्यूक्लियर एनर्जी है। अब जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें जो यूरेनियम इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो है वो रेडियो एक्टिव एक मतलब एलिमेंट है, ठीक है, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इन पाकिस्तान टू एटॉमिक पावर हाउसेज आर वर्किंग, वन इज इन एट कराची विच स्टार्टेड इट्स वर्क इन 1971 एंड द सेकेंड इज एट चश्मा मियावाली। क्या कह रहा है, अगर एटॉमिक पावर स्टेशन पावर हाउसेस देखे जाएं तो पाकिस्तान में जो है दो स्टेशन है इसके, ठीक है, एक जो है कराची में जो कि 1971 में हुआ जो है वो स्टेब्लिश किया गया था, और सेकेंड जो है मियावाली में है। द चश्मा प्लांट स्टार्टेड प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी इन 2002। अब क्या कह रहा है, जो चश्मा मियावाली में स्टेशन जो है स्टेब्लिश किया गया था 2002 में, यहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन जो है स्टार्ट की गई थी। इस प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 300 मेगावाट। अ थर्ड एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अगेन एट चश्मा विद द कोलैबोरेशन ऑफ चाइना। अब क्या कह रहा है, जो चश्मा स्टेशन है वहां से जो है वो 300 मेगावाट की जो है वो कैपेसिटी रखता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन वहां पर जो है थर्ड प्रोजेक्ट भी जो है वो एस्टेब्लिश करने की जो है वो बातें चल रही है, ठीक है, किसकी कोलाबरेशन के साथ, चाइना के साथ मिलके इन्होंने जो है वो तीसरा प्रोजेक्ट भी जो है स्टार्ट किया है। एटॉमिक पावर स्टेशन आर प्रीफर बिकॉज दे सप्लाई चीप इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर। अब क्या कह रहा है, जो एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है, उसको जो है वो ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, क्योंकि जो एटॉमिक पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी
जो सप्लाई की जा रही है या प्रोड्यूस की जा रही है वो जो है वो थोड़ी चीप है, ठीक है, थोड़ी कम मतलब पैसों में पड़ेगी जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रो और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। एटॉमिक एनर्जी इज आल्सो यूज फॉर पीसफुल पर्पजेस, फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इन दिस रिगार्ड थ्री सेंटर एट फैसलाबाद पंजाब, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा एंड टंडोजाम सिंध है बीन सेटअप फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड रिसर्च बिसाइड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। अब क्या कह रहा है कि जो जो एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी को एक तो हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन कह रहा है इसको पीसफुल पर्पजेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? जैसे इन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें रिसर्च करने के लिए भी जो हम एटॉमिक एनर्जी को एनर्जी का यूज जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने जो तीन ऐसे सेंटर बनाए हुए, ठीक है, एक फैसलाबाद बताया है इन्होंने, ठीक है, दूसरा जो है वो पिशावर बताया है, टंडोजाम हो गया, ठीक है। अब ये इन्होंने सेटअप क्यों लगाया हुआ है, एग्रीकल्चर फील्ड में जो रिसर्च होती है फूड के बारे में, ठीक है, उसके लिए इन्होंने जो है वो ये सेंटर ओपन किए हैं। एटॉमिक एनर्जी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सच इंस्टीट्यूशन है बीन सेटअप एट पिशावर, लाहौर, कराची, जामशोरो, लाड़काना, मुल्तान, बहावलपुर, इस्लामाबाद, कोटा, फैसलाबाद एंड अहमदाबाद। अब क्या कह रहा है कि जो एटॉमिक एनर्जी है, एक तो उससे हमने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, दूसरा उसको हमने जो है एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया, तीसरा ये लोग बता रहे कि एटॉमिक एनर्जी को जो है हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी बनाए गए हैं जहाँ पर जो है वो एटॉमिक एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। इन्होंने जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट एरिया जो है वो प्लेस बताए कौन कौन से कंट्री में और सॉरी कौन कौन सी सिटी में जो है वो इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं। अब थर्ड वन हमारी जो है सोलर एनर्जी आ जाती है। कोल, ऑयल एंड गैस आर नॉन रिन्यूएबल डिपॉजिट एंड आर लाइकली टू बी कंज्यूम रिलेटिवली क्विकली ड्यू टू देयर एक्सेसिव यूज, बट सोलर एनर्जी इज सच अ ट्रीजर विच कैन नॉट बी कंज्यूम, इट इज ऑलमोस्ट फ्री। अबाउट 200 मिलियन मेगावाट सोलर एनर्जी रिसीव ईच डे थ्रू द वर्ल्ड फ्रॉम द सन। अब ये आपने लास्ट में जो है वो नोट किया होगा कि सन की बात आई, ठीक है, सोलर एनर्जी वो जो है हमें जो है सन से हासिल की जाए। अब यहाँ पे बताया गया है कि कोयला ऑयल या गैस को हम जो देखते हैं, ठीक है, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल मतलब कि एक दफा यूज की जाए लेकिन दोबारा वो जो है यूजबल ना रहे, लेकिन सन एनर्जी ऐसी है कि जो है वो जो है वो हम यूज करें लेकिन वो खत्म नहीं होगी कभी भी, ठीक है। और जो है वो अगर ऑयल और गैस जो है वो रिसोर्सेज को हम देखें तो वो ज्यादा जो है वो एक्सेसिव यूज की जाती है, मतलब कि बहुत ज्यादा उसका यूज किया जाता है। पर सोलर एनर्जी क्या बताए कि ये जो है वो इतनी ज्यादा कंज्यूम नहीं होती और ज्यादातर ये फ्री होती है, ठीक है। 200 मिलियन मेगावाट सोलर एनर्जी जो है वो यूज की जाती है, रिसीव की जाती है हर दिन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड बताया कि पूरे वर्ल्ड में कितनी मेगावाट जो है वो सोलर एनर्जी यूज की जाती है, ठीक है, 200 मिलियन, इट इज अबाउट 16,000 टाइम द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ऑल द पावर हाउसेज इन द वर्ल्ड। अब क्या कह रहा है कि अब अगर हम जो है वो पूरे वर्ल्ड के पावर हाउसेस देखें जहाँ पर पावर जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, तो 60,000 गुना ज्यादा जो है वो सन एनर्जी जो है वो वर्ल्ड में यूज की जाती है। सोलर एनर्जी इज ऑब्टेन थ्रू द नंबर ऑफ मेथड। अब क्या कह रहा है कि सोलर एनर्जी जो है वो कैसे कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, वो मेथड बताए गए। इट इज स्टोर्ड इन द सोलर सेल एंड यूज इन रेडियो एंड स्मॉल व्हीकल। अब क्या कह रहा है कि अगर हम इनको जो है वो सोलर सेल में जो है वो स्टोर करें, उसको जमा करें, तो हम जो है छोटे छोटे जो रेडियोज होते हैं, जो छोटी सी व्हीकल, छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है, उसको चलाने के लिए हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई यूजिंग बिग साइज मिरर इन द सोलर बॉयलर,
rays of the sun are diverted toward the बॉयलर एनर्जी इज प्रोड्यूस एंड यूज इन ऑपरेटिंग बिग मशीन। अब क्या कह रहा है, अगर हम जो वो बहुत बड़ी बड़ी साइज में मिरर्स लगाएं, ठीक है, सोलर बॉयलर में, ठीक है, तो यहाँ से जो वो सन की जो रेज आएंगी उसमें ये जो है वो उस बड़े से मिरर या बॉयलर में आके हिट करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे हम जो है वो एनर्जी अगर इसको जो है वो स्टोर करें तो ये हम जो इससे बहुत बड़ी मशीनें भी जो है ऑपरेट कर सकते हैं। द सोलर पैनल सीक हीट फ्रॉम द सन। अब क्या कह रहा है, जो सोलर पैनल्स होते हैं जो हमने मिरर्स जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी जो है स्टोर करते हैं सोलर की, वो जो वो हीट जो वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कहाँ से आई है, सन से आई है। इन पाकिस्तान सन शाइन क्वाइट ब्राइटली फॉर अबाउट 300 डेज इन अ ईयर। अब क्या कह रहा है, अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो इसके साल के 300 जो है वो दिन यहाँ पर जो है वो सूरज निकलता ही रहता है, ठीक है। द सन लाइट कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द रूरल एरिया फॉर कुकिंग फूड रनिंग द ट्यूबवेल एंड फॉर ऑब्टेनिंग द हीट। अब क्या कह रहा है, अगर हम रूरल एरियाज को देखें जो गाँव देहात के हो गए, वहाँ पर ज्यादातर जो है वो सन एनर्जी यूज की जाती है, सनलाइट यूज की जाती है, किस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ये लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल जिससे जो है वो पानी निकाला जाता है जमीन से, ठीक है। ये मशीनें छोटी छोटी ये चीजें भी जो है वो सनलाइट की इलेक्ट्रिसिटी से ये लोग चलाते हैं, ठीक है। प्रेजेंटली इट इज टू एक्सपेंसिव टू सेट अप सोलर पावर हाउस इन पाकिस्तान। आल्सो टेक्निकल एक्सपर्टाइज इज नॉट अवेलेबल। हाउएवर अ फ्यू स्मॉल सोलर एनर्जी यूनिट आर वर्किंग एट द फॉलोइंग प्लेस। अब क्या कह रहा है, अगर हम जो है वो सोलर एनर्जी के स्टेशन बनाना चाहें, लेकिन ये जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, और जो है वो ऐसे टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी नहीं है जिससे हम जो है वो सोलर स्टेशन जो इस्टेब्लिश कर सकें, लेकिन कुछ जो है वो प्लेसेस हैं जहाँ पर जो है वो सोलर एनर्जी स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश किए गए। फर्स्ट में जो है इन्होंने बताया खुरखीरा लसबेला जो कि बलूचिस्तान का एरिया है। दूसरा यहाँ पे जो उन्होंने मलमारी बताया जो कि ठट्टा सिंध प्रोवाइंस का एरिया है। वित्तल खान लगारी आ गया, थरपारकर जो है वो सिटी बताई है सिंध प्रोवाइंस की। दूसरा हूत आ गया मुल्तान का, नसीराबाद आ गया। Presently, solar energy sector has not been given much attention because electricity need are being met through other resources. अब क्या कह रहा है कि जो सोलर एनर्जी सेक्टर है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो टेंशन नहीं दी जा रही, ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जो अदर रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, इन चीज़ों से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की या दूसरी एनर्जी की नीड है वो पूरी हो रही है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।